सैयद चचा, सलाम वेलकम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छे, अल्लाह का फजल है। आप दावत दिए मेरे को तो मैं आ गया यहाँ पर। हाँ, एकदम मोस्ट वेलकम। क्या हाँ कहेंगे आज का टॉपिक पे आप? भाई, आप तो दावत दिए, आप बताइए क्या खिलाएंगे आज। हम बस हाँ यही खिला रहे हैं सबको कि अल्लाह के चूरन से बचिए और इंसानी चूरन खाइए, अच्छा अरे रहेगा। अरे भाई, आप तो यहाँ पर एक्स मुस्लिम बनाना चाह रहे ना मेरे को, तो बनाओ। आप तो पहले से ही हैं चचा, आपको क्या बनाना। वो तो आप बस ऐसे ही फोकट में मुस्लिम में पड़े हुए हैं, बाकी आपका ईमान तो बहुत दिन पहले ही निकल चुका है। सैयद भाई जिस देखिए, दिन हम आप लोगों का जो है ना एक वो मेयर कि मतलब एक से मुस्लिम बनाना किसी को, ये मतलब किसी का नाम देना नहीं, किसी की आंख खोलना, किसी को हकीकत बतलाना, किसी को सही रास्ता दिखाना, एहदिना सिरातुल मुस्तकीम। ठीक है, सीधा रास्ता क्या है यार? तो आप अकले वाले हैं, शऊर खुद रखते हैं, हम लोगों ने कुछ बातें अगर बतलाई हैं, स्ट्रीम आपने देखी है, बहुत सारी देखी है, आपने बातें भी की हैं, तो खुद से जायजा ले सकते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम ये नहीं कहते आप एक सौ मुस्लिम बनिए, ये बनिए, वो बनिए, जो आपका माइंड करे बनिए, लेकिन जो हकीकत है तो उसको तस्लीम तो कीजिए। सही है सही है। तो फिर आप यहाँ पर ये इसलिए नहीं बैठे कि मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने के लिए? हाँ, यही कहेंगे, क्योंकि देखते सच हैं जब बोलो, आते हैं मुस्लिम लोग हमारा आते हैं बिना हमारा सर पैर की मकसद बात करते हैं। तो आप जी सच बोल रहे हैं ये कि आप इसलिए नहीं बैठे आप हैं ये, यहाँ पर कि मुसलमानों हाँ को इस्लाम छोड़ने के लिए। आप मुस्लिम मुस्लिम की तरह रहिए। अगर मोहम्मद अरबी ने मुसलमान का जो एक नहीं, पैमाना अरे दिया होता कि मुसलमान किसे कहते हैं, अगर उन्होंने कुछ बातें जो हमको एतराज है उन चीजों का हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम रहिए आप, नहीं कोई नहीं दिक्कत भाई, नहीं यार। हाँ नहीं भाई, आप बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि आप जो ऐसे यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को इस्लाम मत छोड़ो, राइट? ये इंटेंशन है इस्लाम छोड़ो आपका? ना छोड़ो, हमारा वो मकसद ही नहीं है यार, छोड़ो ना छोड़ो, हकानियत के रास्ते पर रहो, सच्चे रास्ते पर रहो, किसी से ढीला मत ओ करो, किसी से अच्छी बात, किसी को हकारत की किसी का नजरों से मत गर्दन ना देखो, काट दो जाकर, किसी का किसी का गर्दन ना 70-35 काटो। टुकड़ा ना कर दो, ये कट्टरता हमारा बस बस छोड़ दो। मकसद यही है ना यार, तो और क्या है। हम रोजाना लोगों के गले काटते रहते नहीं? नहीं काटा गया ना 14 साल पहले, नहीं काटा गया, जंगे एक दो हुई है। 1400 साल बाद में कन्हैयालाल कहाँ गए? ओ कन्नड़ या लाल का चौदह गल्ला काटे तो सब मुसलमान उसके मिलके गल्ला काटे हैं, करेक्ट? ये जो आप मुसलमान जिहाद ही कहते हैं, काटे जिहाद किसे कहते हैं बताइए? जिहाद क्या था फिर? ये हाँ भड़काऊ बातें ना बोलिए चचा आप। साहिल थैंक सर वेलकम। यू एंजल जी, क्या हाल चाल? ठीक है, आप सुनाइए यार। आप तो असला उनका सर, मतलब आज लगा ही दिए मिर्ची। हाँ मैं मिर्ची लगा लगा ही दिया, और मैं चाहूँगा हमारे जितने व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, वो जैसे बाकी एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, एंजल जी को भी सपोर्ट करें, और ऐसे नबेदा जैसे लोग आए ना तो इनको ज़्यादा इनको मिर्ची नीचे से लगाना है। अब जो भी हो सकता है सुपर चैट्स इनको भेजिएगा ताकि इनको नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगे। वो जानवर किधर है नबेदा, भाग किधर गया? मैं चाह रहा था अभी नबेदा आएगा से अभी जरा आएगा। पूछूं, उसकी अम्मी नियोग का जो सवाल कर रहा था आपसे, तो मैं हाँ चाह रहा था उसके उससे पूछूं कि उसकी अम्मी और उसकी अप्पी का अगर मुता कराते रसूलुल्लाह तो करवाता या हाँ पुलिस स्टेशन में जाता? नबेदा 3 दिन का अगर मुता कराते रसूलुल्लाह इसकी अम्मी और इसकी अप्पी का, तो ये क्या करता नबेदा? अरे बकवास ही किए जा रहा है यार, कभी सती पे कह रहा है, कभी मतलब हिंदू पे कह रहा है, कभी बात पे आ ही नहीं रहा। स्टार्टिंग वो इस सब नहीं से किया कि आप नहीं इस नहीं पैसे का क्या एंजल जी, करेंगे। बात ऐसी है ना कि साहिल भाई ने ऑलरेडी सुना हुआ है, तो अगर अमित नाहटा जी वो बैक स्टेज पर हैं तो उनको ले लीजिए, और उससे पहले मुन्ना भाई अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना भाई वालेकुम वेलकम। सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। साहिल यो भाई का यो यो नाम यो तुमने पढ़ मम्मा, क्या लिया। टाइम पे एंट्री मारे मम्मा? गुड यो टाइम। अरे मैं कुछ काम के लिए बाहर जाने वाला था, मैं अमित का, मेरे को मैसेज भी आया था अमित को, मैं बोला 1 घंटे में ज्वाइन करता हूँ, लेकिन ये नबेदा को देख के मेरे को वो थोड़ा डिले कैंसिल करना पड़ा। बोला नबेदा की जरा लेके थैंक यू जाता हूँ। सो मच। हाँ अभी भाई मैं आ गया, आप जा रहे होंगे, जाओ, मैं हूँ यहाँ पे एंजल जी के साथ। नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर हूँ, बाद में जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ नबेदा अगर सुन रहा है तो आज आज मेरे को तेरे से सवाल करना है, तेरी अप्पी और अम्मी का मैं आज मुता करवाऊंगा। किसके साथ? अरे मैं रेडी हूँ ना एंजल जी,
मैं क्यों यार, ये सब काम मुझ पर छोड़ा करो। ये जो दो पैर वाला जानवर है, ये इतना इसके अंदर हरामीपन है, इतना हरामीपन है, हाँ ये फोकस करता है कि कौन सी लड़की एक्स मुस्लिम बनी है और उसके पीछे पड़ जाता है ये, फिर उसकी आइडेंटिटी हाँ निकालता है, फिर उसकी आइडेंटिटी लीक करता है ये नबेदा, ये इतना हरामी हाँ बंदा ये। इसको लग रहा है कि ऐसे ये बातों में उलझा कर इसको लग रहा है इसका बाप का गुलाम है जैसे हम, कि उसके हर सवाल का हम जवाब देंगे, कि वो जो पूछेगा उसका तुरंत हम, यार जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो ना तुम, हम क्यों तुम्हारे लिए बैठे हैं तुम्हारे फालतू सवाल का जवाब देने। साइको और इसकी एक मेरे को इनकी चिढ़ समझ में नहीं आती भाई, तुमको हिंदुइज्म पे जो हाँ भी एतराज है, सवाल है, कितने सारे हिंदुइज्म के चैनल है यार, सनातन समीक्षा है और कितने अच्छे अच्छे चैनल है, जाओ वहां जाके उनसे सवाल करो, तुमको जवाब देंगे वो। तुम्हारा एक्स मुस्लिमों से हिंदुइज्म के हिंदुइज्म पे जो सवाल है वो बनता भी है क्या? वो नहीं, वो बनता है क्या जाते वहां पहले नहीं। सवाल जो तुम इधर आके करते हो? ये बस तुम्हारी चिढ़ है कि यार ये हाँ कैसे नंगा कर रहे हैं पब्लिक हमारे को भड़काए, इस्लाम हाँ की पब्लिक हकीकत को बता ऐसे, हाँ बताकर। और इसको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता है, ABCD भी नहीं पता है। ये जिन उस्तादों से जाके सीखता है वो इनको कुछ मतलब थोड़ा बहुत अलिफ़ा थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ वर्ड सीख लेते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि हम जो है ना वो सबको ये कर देंगे, मतलब निस्तो नाबूद कर देंगे सारे एक्स मुस्लिम्स को। ये तो इनका साहिब हाल है। भाई, ये उन उस्तादों से सीखा है जो कहते हैं ना हमारे यहाँ अपने शहर में चलता है उस्ताद दो कप चाय देना, तो ये उन उस्तादों से सीखा है। उस्तादों का जाके ये सहलाते भी होंगे भाई, ये कहना इतने क्या चाहते अकल हो के अंधे हैं ये। यार हाँ सही बोल रहा हूं। कहाँ है नवेदा, है कि नहीं मार्केट में, लाया जाए नवेदा को पकड़ के। नहीं, वो साहिल भाई का नाम सुनते ही भाग गया। हाँ वो भागते भागते भागा भाग वहां। गया। अरे ये सैयद चचा क्या कह रहे, जरा इनका सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे क्या ये अरे सैयद भड़का चीचा रहे है, पब्लिक को? हाँ, ये पब्लिक को भड़का रहे, अरे बताइए सैयद चीचा अपना बी कि टीम है यार, ये क्या बी टीम का बंदा है, चीचा इनसे क्या बहस करना है, ये अपने ही है, बिठा के रखो इनको, अरे भाई, मोमिनों पे छोड़े इनको। अरे भाई ऐसा कैसा हमको इग्नोर कर देंगे क्या आप? ऐसा भी नहीं है सैयद, तुझा की बात को नहीं समझते चाहे ये जितना अपनी भी बी घुमा टीम है ये कर सैयद चीचा। बोले। नहीं बोलो भाई ऐसा अरे हम बोले या नहीं बोले, जितने मोमिन चैनल है तुमको वो एक्स मुस्लिम मान चुके हैं वो। अरे भाई हाँ ये क्या तो मेरे बात को है। आप क्या मेरे को जहन्नुम में भेजना चाहते हैं क्या? तो भी नहीं, अरे आप ले जहन्नुम लेना में और क्या, हूरों दाखिल का क्या हो करेंगे चुके हैं। चीचा। नहीं दाखिल तो ये पहले ही हो चुके सही चीचा, मैलेज भी मेरे इधर तुमको से तुम्हारा जहन्नुम में एक ही पैर मिलेगी। जहन्नुम में ही है बिल्कुल। मैं मुन्ना भाई, मैलीज भी तो सैयद चीचा को जहन्नुम में ही मिलेगी, हाँ ये बात तो तुमने एकदम मुद्दे पे इससे आया था बढ़कर साहिब इनाम क्या भाई। होगा सैयद चीचा के लिए जहन्नम में जाने के लिए। अरे भाई तुम कहीं को महिलाज को जान में बेच रहे, उसकी जिंदगी अभी तो जिंदा है, वो हो सकती है वापिस आ जाए, छोड़ दे ये सब काम, वो नहीं आने वाली सैयद चीचा, तुम जहन्नम अच्छी में हो जाओ। जाए। आपको लेकर जाएगी अरे वो, नहीं भाई आने वाली, आपको लेकर जाएगी जहन्नम। नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बुरे बुरे लोग जो ऐसा छोड़ दिए हैं जिंदगी वैसी, फिर जो ऐसा अच्छे इंसान बन गए, तो महिलाज को क्यों आप ये बोलते हैं कि वो ऐसी ही रहेगी? अरे जब महलीज को जहन्नम में जाना है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको महलीज चाहिए तो जहन्नम में जाओ सीधा। नहीं, उसको समझ नहीं है, उन्हें जो कामा कर रही है ना, ही सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रही है, ये दुनिया में ही बर्बाद कर डाल रही है, वो आखरत को छोड़ दो, ये दुनिया में ही अयो वो जो बर्बाद यो कर क्या रही है हो वो। गया अयो। इनको बड़ा टेंशन हो रहा है उनको लाने का।
नहीं, वो उसकी मर्जी है, जो आना चाहे आओ, नहीं आना चाहे मत आओ। अच्छा है ना, अच्छा है ना चाचा कि वो नहीं आ रही है, वरना आकर के बताइए कौन मारपीट खाएगी, बताइए। अच्छा है ना कि वो नहीं आ रही है, क्योंकि अल्लाह ने तो ऑर्डर पास कर रखा है ना पीटने का। अच्छा है बेचारी नहीं आ रही है, कम से कम मार तो खाने से बच रही है ना। कौन मारता है उसको? लीजिए, तुम्हें शौहर बनेंगे तो तुम्हें भी मारते फिर महलीज को पकड़ के। हाँ क्यों भाई, क्यों मारते? हाँ अल्लाह इजाजत दे रहा ना चीचा। क्योंकि वो एक रूल पास किया ना आपके अल्लाह। वो सही है वो। अगर ऐसी औरत जो है सो आपकी बीवी है समझो, उन्हें जो है सो दूसरे मर्द को लाइटिंग मार रही है तो और क्या हार्ड है यार। सही है चीचा, आपकी जवानी क्या जबरदस्त रही होगी यार एकदम। फुल अब क्या बोलते हैं, आपके पास लाइटिंग, डबल क्या डिस्को, लाइटिंग? तुम्हें डिस्को लाइटिंग मारते रहेंगे जवानी में। नहीं, आपके पास क्या बोलते वो दूसरे, हमारे पास हैदराबाद में लिंक लाइटिंग शेयर बोलते करिए, हैं। कह रहे लगता लिंक नहीं है क्या नीचे। हाँ तो साहिल भाई बताओ, आपकी बीवी है समझो, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो करते हैं, और वो जो है सो दूसरे मर्द के साथ लाइटिंग मार रही है, अच्छा मुस्कुरा। मेरे को एक बात बताओ, सही है अरे चीचा, मेरे को भाई एक बात भाई, बताओ। नहीं, मैं वो आपके छोड़, सवाल का जवाब दे अरे रहा हूँ, यार तुम मैं ऐसा आपके कैसा। आर्गुमेंट पे जवाब दे रहा हूँ, सुनो तो सही चीचा। अभी तुम्हें जो है महलीज के ऊपर ओनली फैंस में जाके जो लाइटिंग मारते हैं, तुम्हारी बीवी को इजाजत होना चाहिए ना तुम्हें भी धपोटने की, एकदम धपटोगी ना फिर तुम्हारी बीवी भी, क्या चीज और का तुम बोलेंगे फोटोशॉप मुझे है। घर जाना है। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझा नहीं आपका कुछ सवाल अरे क्या है। मतलब आप तुमको जो, पकड़ के ढोकतेगी ना तुम्हारी बीवी भी, इजाजत होनी चाहिए ना जब हाँ आप तुम्हें लाइटिंग लाइटिंग मार के मार रहे घूम हैं रहे किसी जो, से। देखो देखो भाई महलीज को साहब, लाइटिंग आपको मार रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, आप इधर उधर कहीं कुछ यार भाग रहे हैं क्यों नहीं आप तो तुम्हारे आर्गुमेंट पे तुमको कबूतर। सवाल किया मैं। सुना 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 सुना, मैं तुम्हारे को सीरियसली एक सवाल कर रहा हूँ, अपन अच्छा सीरियस मेरे को बात एक कर रहे कॉल हैं आ यहाँ रहा पर। है, मुन्ना भाई हाँ साजिद भाई, भाई बात करो इनसे, बात करो, ओके मेरे को ओके, एक रूम कॉल में आ रहा यहाँ है। पे साहिल भाई, चलेगा चलेगा साहिल भाई। मैं अपन बैठा है तो मैं वो साहिल के सवाल है वो मैं बात करूँ, सीरियस बात है अरे साहिल आप। भाई चले गए अभी, साहिल भाई का नहीं जवाब को रहने दो अपुन। नहीं उनको आने दो अच्छा मैं आप, क्या बोल रहा हूँ एंजल जी का, आज हाँ का बोलिए। सवाल क्या है एंजल जी, आज के सवाल पे बात करेंगे ना यार। सही है नहीं तुम्हारी बात, मगर सही है मेरा, चाचा। हाँ ठीक है बात करेंगे अपन, हाँ बात करेंगे उसके ऊपर भी, मगर मेरे को यह हाँ सीरियस सवाल है, आप जो सो वो लगा रहे हैं तो डिस्कशन भी सीरियसली होना चाहिए, मजाक में उड़ाना मजाक की बात नहीं होना चाहिए। तो नहीं मैं उड़ा रहे ये चाचा, सवाल, आप बात नहीं समझ, नहीं मुझे हंसने की बीमारी है। नहीं तुम्हारे को नहीं बोल रहा, मैं ये हाँ बोल रहा हूँ हाँ साहिल को आने दो, मैं ये सवाल रखना चाहता वो हूँ, क्या अभी हो शायद गया नहीं आएंगे, तो उन्हें अपन। काम था, सुनिए ना, उन्हें काम था। वो जो सवाल आपसे करके गए कि आप जो कह रहे कि किसी की बीवी किसी से लाइटिंग मारेगी तो फिर हस्बैंड उसको मारेगा कि नहीं, ठीक है, अरे तो बात अगर तो हस्बैंड जाकर बाहर लाइटिंग मारता है तो बीवी उसको चपलाएगी या नहीं, इतना आप मार बताएं। जरूर मारते हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? हाँ तो मारते, नहीं अल्लाह ने मारते हो? अल्लाह हाँ तो अल्लाह अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अगर बीबी अगर हस्बैंड लाइटिंग बाहर मारे तो फिर बीबी घर पे उसको बुला के या फिर रोड पे भी जाके उसको धोपने का, ऐसा क्यों नहीं अच्छा बोले, ऐसा क्यों नहीं उतारे। सही है चीचा, जैसे सही है चीचा, तुम्हारे हिसाब से बीवी भी उसके खामिद पे हाथ उठा सकती है? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, नहीं, अच्छा कुरान, कहाँ अरे लिखा है, इस्लाम में, इस्लाम में ये लिखा हुआ है। देखिए सुनिए, अल्लाह ये नहीं बताया, अगर भी उन्हें बीट करी तो अब वो हस्बैंड स्ट्रांग रहता है तो उन्हें उन्हें डबल बीट कर देगा, ये चीज आया बोल के अल्लाह खामोश बैठा है उस चीजों पर। क्यों अल्लाह खामोश बैठा है? अल्लाह स्ट्रांग है, मैं डायरेक्ट क्यों ऊपर से हाथ स्ट्रांग है। बांध देता तो जिब्रील को भेज देता मदद करने के लिए, अरे मतलब भाई लिखा हुआ है, अगर चल सकता है, मारा तो चलेगा, ऐसा तुम बोल रहे हो? तुम बात इधर से उधर मत मिला, अपन एक बात करें तो उसी पर रहो ना भाई। हाँ तो मार सकती है, मतलब बीवी मार सकती है खामिद को? अरे भाई बहुत सारे बीवियां मारते हैं उनके मर्दों को, नहीं मारती, अरे समझ रहे हैं आप। बहुत सारी अल्लाह मारती, को वो बात किसने छोड़ो, मारती है, इस्लाम में क्या तुमको लिखा है वो बताओ, अल्लाह, इस्लाम में हाँ अलाउड है क्या अल्लाह मारना को वो बताओ। चाहिए ना वो, कि वो भी कुरान में इसका एक सूरा बना करके और उनको मतलब मोहम्मद पे नाजिल करना चाहिए था ना, एक सूरा बनाकर, जैसे कि औरतों के बारे में उन्होंने किया वैसे ही तो मर्द के बारे में भी करना चाहिए था। फिर वो ऐसा क्यों नहीं किए, कि वो उनको देखिए पता था, क्योंकि वो अल्लाह, उनको पता था कि आगे शायद बीबी भी मर्द को मारेगी, ठीक है, तो वो उनका नियम भी बनाना चाहिए था।
सुनिए सुनिए वो मैं औरतों बताता के हूँ, बारे में सिर्फ क्यों बना है? सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ। इसलिए नहीं कि मर्द जो है सो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग रहा तो अगर गाय बीवी, का एक स्ट्रांग सुनिए होता है। सुनिए एक सुनिए तो मेरी बात, स्ट्रांग रहता मर्द अगर बीवी जो है सो हस्बैंड को मार दी समझो, तो बस बस ऐसे मर्द रहते उसको फिर डबल ट्रिपल मार के उसकी हड्डी तोड़ डालेंगे वो लोग। तो अल्लाह बोला के भाई ऐसा मत काम करो, इसलिए अल्लाह चले खामोश सर जी, बैठा आ जाइए, जुड़ जाइए। एंजल जी, इसका जवाब मुझे देना है। आ जाइए आप। आ आ जाओ आ जाओ। जाइए जो आप भी गर्ल्स, जो भी लड़कियां नीचे सुन रही है, जो भी औरतें नीचे सुन रही है, आ जाए, एंजल एंजल जी के साथ आके बैठिए, ऊपर आके बात कीजिए आप लोग। जी, एकदम नॉर्मली हम लोग बात करेंगे, जो हकीकत है इसमें जितने हकीकत। लड़कियां हैं, मैं तो बोलूंगा इस चैनल पे जितने अपने लेडीज ग्रुप है सब आ जाए ऊपर, और सब चढ़ के साथ में मिलके धुलाई की जाए मोमिनों की, हाँ, तो भी चलेगा, हम लोग नीचे उतर जाएंगे। मेरी धुलाई करेगी वो लोग। नहीं 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 आपकी डरने की नहीं कोई चाचा, बात हम नहीं है। आपकी चलिए इज्जत करते हैं इतना चाचा, तुम ऐसा उल्टा अच्छा क्यों कि जा रहे हो आपको आप? डरने की कोई अच्छी बात बात नहीं है, अच्छी आप बात, जाइए। सॉरी हम सॉरी आपको सॉरी इतना भाई इज्जत सॉरी देते भाई। चाचा, कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले आपको मौका देके आपको बिठा के रखते हैं, जैसे हम आप हमारे पैनल के मेंबर बना के आपको बिठा के रखते हो, आप हमारी बी टीम का काम करते हो नहीं नहीं चाचा। नहीं 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 सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। आपके आपके भाई बंधु लोग, आपके रिलीजन वाले इस्लामिक लोग आपको खड़ा नहीं करते बिना इज्जत दिए कि आपको लात मार के निकाल देते, लेकिन हम आपको कभी ऐसा करते आपके साथ में? नहीं नहीं सॉरी भाई सॉरी। हम तो आपको आवाज देके बुलाते, सैयद चचा किधर है आ जाओ करके। फिर हाँ हाँ सही है भाई, सही है भाई। यार यार चचा यार देखो, कम से कम मैं चचा देखो, कुरान में लिखा होता ना, कुरान में लिखा गया है कि मर्द औरत को मार सकता है, ठीक है, औरत जो है आदमी के पूछे बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है नहीं ना, अगर ऐसा उसके ऐसा नहीं कुछ निकल लिखा नहीं सकती है। ना। अरे लिखा है ना भाई, तुम्हारे किताबों में लिखा है भाई, मैं नहीं तुमको बताऊं क्या कहाँ लिखा है? नहीं नहीं वो होऊंगा, मगर जो ऐसे मुसलमान औरतें हैं जो तो ऐसे, यही यही, सुनिए अरे कहां से बोलेगी अल्लाह में, अभी तुम्हारे ऐसा बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि मेरे को सुनिए जहन्नम सुनिए में नहीं जाने का, जन्नत में जाने का है। तो सुनिए ये जो सुनिए औरत लोग है, अगर ये अपने हस्बैंड को अगर बोले मेरे को तलाक चाहिए, तो अल्लाह में इतना भड़क जाता है कि वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा उस औरत को जिसने तलाक का जिक्र किया। तुम तो साला हाथ उठाने की बात कर रहे हो। नहीं, अब ये आप, कोर ये चचा जो है ये किस एंगल से ये बोल रहे हैं कि हम औरत भी मर्द को मारती है, ये किस बात से बोल रहे हैं? जबकि यहाँ तक है कि बीबी मतलब हस्बैंड का जख्म को चाट ले, जब इतना ही फ्रीडम रहता, दोनों में इतना ही बराबरी दिए होते अल्लाह, तो इतना घटिया घटिया लफ्ज जो उसके लिए इस्तेमाल ही नहीं करते उसके, मतलब कि तब भी वो बेचारी नहीं है, जब बोलेगा वो उठने तो उठेगी, बोलेगा बैठने तो बैठेगी, वो मतलब कुछ भी करते रहे उसके लिए एकदम जी हुजूरी करना है, बराबर की बात होती चाचा, तो वो ऐसा बोलते ही नहीं, वो नहीं कहते नहीं यार तुमको भी करना उसको भी करना है सेम चीज, बराबर की बात होती चाचा, तो ऐसा बोलते ही नहीं।